वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाए। हमारे साथ हैं गुफरान अतर खान साहब, जो कि KESC के मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हैं, बिजली KESC कराची के ही हैं सिर्फ, लेकिन ये एक मिथ डिस्पेल करेंगे जो कि पूरे पाकिस्तान पे अभी 180 अरब रुपया हमारे पेपको जो है वो खा जाते हैं हमारे टैक्स के पैसों का, लेकिन फिर हम समझते हैं कि हम मजलूम हैं। और कराची के अंदर भी कुछ ऐसी हाल है, बिजली के बिल 30% पाकिस्तानी नहीं देते, कराची हाइट्स नहीं देते, और हम मजलूम हैं। गुफरान साहब, क्यों खरीदी थी ये कंपनी? देखें, इसका पार्शली तो मैंने आपको जवाब दिया कि देर वॉज अ बिज़नेस केस कि एक कंपनी है जो वॉज इन बैड शेप और उसके अंदर आई मीन डेफिनेट चीज़ें थी जो हमें नज़र आ रहा था। बात काट रहा हूँ। बैड शेप आपके लेवल के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन, जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के लेवल के लोग, बैड शेप का मतलब होता है सिर्फ ब्लीड कर रही है, बैड शेप का मतलब होता है कि ठीक की जा सकती है, बैड शेप का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स है, बैड शेप का मतलब होता है कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। बैड शेप का मतलब ये नहीं होता कि अगर 12,000 लोग हैं उनमें से 10,000 सियासी हैं और उनकी वो पल रहे हैं इस पर, और क्योंकि उनकी सियासत चमक रही है लिहाजा वो इस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, ये बैड शेप नहीं होता, ये तो फिर गैंग्रीन होता है ना सर। इस क्यों ली थी? देखें, मैं आपको बताऊँ, 2008 में अबराज ने एक फ़ंड क्रिएट किया था बिकॉज वहाँ पे जो हमारे जो 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 क्या कहना चाहिए वो थॉट लीडरशिप का जो प्रोसेस है उसमें वी रियलाइज्ड के एनर्जी इज़ गोइंग टू बी द बिग थिंग, सारी दुनिया में होगा, एंड देयर फोर वी थॉट कि अगर आज हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन अदर एरियाज इज़ वेल, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस यू नो वेरी हेफ्टी रिटर्न्स, सो टू स्पीक। तो हमने जब ये इन्वेस्टमेंट का किया था तो ये ऐसा नहीं था कि बगैर सोचे समझे कर लिया था, लेकिन इसमें सारे फैक्टर्स नोन थे, पॉलिटिकल हायरिंग्स, इन्फ्लुएंस, इंटरवेंशंस, मुदाखलत, ये सब हमें इस चीज़ का इल्म था। दूसरा ये कि बट देवर केस स्टडीज अवेलेबल टू अस राइट अक्रॉस द बॉर्डर, जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे इसी तरह के एनवायरनमेंट के अंदर कंपनीज़ इन दिल्ली, कंपनीज़ इन कलकत्ता, कंपनीज़ इन मुंबई इसी शेप में थी, और वहाँ पे आके एक रिफॉर्म का एजेंडा ला के उनको ठीक किया गया और वो कंपनीज़ आर डूइंग वंडरफुली वेल टुडे। तो वी हैड दैट मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस इज़ वेल, तो उस मॉडल को सामने रखते हुए वी थॉट कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि आज हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और अगले आने वाले चंद सालों में व्हेन दिस कंपनी इज़ टर्न अराउंड तो यू नो हमारी इन्वेस्टमेंट विल बी जस्टिफाइड। सर देखें, सर आप कैपिटलिस्ट हैं, सरमायाकारी, आप लोग मुनाफा इन और उसके साथ साथ अगर बाय प्रोडक्ट हो जाए सर्विस तो हो जाए। हमारी हुकूमती और बिलखसूस सियासी जमातें सोशलिस्ट हैं, और सोशलिस्ट की भी अच्छी फॉर्म नहीं बुरी फॉर्म, वो ये कि आप हमारे वर्कर हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो वो बैक स्क्रैच करने का मतलब है कि नौकरियां दो। सब ने नौकरियां दे दी, आपका वर्कर बेस वो है जिसको नौकरियां इस बेसिस पे मिली हैं, ना कि मेरिट पे। उस वर्कर बेस को आप आज कहते हैं लो 7 लाख रुपए और चले जाओ, तो उसको ये ट्रांसलेट नहीं होता। आपको शायद समझ नहीं आती क्यों ट्रांसलेट नहीं हो रहा, मुझे भी समझ नहीं आती। मुझे अगर कोई 70 गुना ज़्यादा मेरी तनख्वाह से दे और कहे चले जाओ, तो मैं इतने जल्दी गायब हूँगा कि मुझे वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे अपनी स्टेटमेंट, क्योंकि मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी मेरे पास। इसी तरह आपका जो ड्राइवर अब ऑब्सोलीट हो गया, या जो वो लैडर ऑपरेटर ऑब्सोलीट हो गया, उसको अगर आप कह रहे हैं ये लीजिए 7 लाख रुपए, तो वो रिक्शे खरीद सकता है, वो कोई और काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा क्योंकि उसको वो उसके शायद अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो शायद इस सारे मसले का हल ये नहीं कि आप उनको रिट्रेन कर दें और फिर समझा दें कि ये पैसे हम आपके लिए लगा के दे रहे हैं, या एक माइक्रो फाइनेंसिंग का अगर तामीर बैंक के साथ आप टीम अप करके कहें कि जनाब इनको समझा दो इन पैसों का क्या क्या हो सकता है, बजाय इसके कि जी फारिग गोल्डन हैंडशेक। उनको समझ नहीं आ रहा, वो समझते हैं 7 लाख रुपए में पूरी ज़िंदगी कैसे जिएंगे, क्या कुछ हो सकता है कम्युनिकेशंस बेहतर जी? देखें, इसमें 7 लाख तो मिनिमम पेमेंट थी ना जी, एवरेज इज अराउंड 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है उसको 7 लाख मिल रही थी, 15, 20, 25, 30 जितनी भी उसकी सैलरी, जिसकी 30 मिल रही थी उसको 1.5 लाख मिल रही थी, जिसको 20 थी उसको तकरीबन 15 लाख रुपए मिल रही थी पे आउट। वो आप समझें कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे कि एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है, कब से कंपनी में है, वो बहुत सारे, लेकिन कम अज कम 7 लाख रुपए थी, कम अज कम 7 लाख था, एवरेज वॉज 15 एंड मैक्सिमम वॉज अराउंड 4.7 मिलियन रुपीज, ठीक है, 47 लाख रुपए। अब मसला ये है कि ये लोग भी नहीं जा रहे। अब इसमें समझने की जो बात है ना, देखें दो तीन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी है कि एक तो ये कि बहरहाल 1,000 लोगों ने लिया है ABSS, ठीक है, बावजूद इसके कि उनको डराया गया, धमकाया गया,
मतलब उनको वरगलाया गया, उनको ख़तरनाक नतायज की धमकियां दी गई, उन्होंने बाहर ले लिया वो। देखें, आप जब इंसान को एक फ्री आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहां पे वो कंस्ट्रक्टिवली सोच सके कि मैं इन पैसों से क्या कर सकता हूँ। एक आदमी आज फ़र्ज़ करें, मेरी मिसाल ले लें, मुझे कोई कहता है तुम 80 महीनों की सैलरी ले लो, दैट विल ओपन सो मेनी एवेन्यूज फॉर मी, मेरे पास इतना कुछ करने के लिए। लेकिन उसके लिए फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे लीडर हैं और आप मुझे कहें कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये तुम्हें, और उनको वरगलाया जाए, गलत रास्ते पर डाला जाए, तो फिर आपको पता है उनकी जितनी सोच है उसके हिसाब से उन्होंने। एक सेकंड रोहन सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश हैं, बीच में जो सियासी जमातें हैं या सियासी अंसर हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सारी बदमाशी कर रहे हैं, आपके लोग भी आपसे खुश हैं? मैं किसी सियासी जमात को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन जो लीडरशिप CBA की है, अब देखें उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके, उनका वोट बैंक है, उनको नज़र आ रहा है कि जी अगला इलेक्शन होगा उसमें अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारे वोट कौन डालेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हम इस तरह के छोटे छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी कंपनी को रन करेंगे? और पूरे देखें कराची में KESC प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, पूरी आपकी चाहे वो सिविक आपकी लाइफ है या वो आपकी इंडस्ट्रियल लाइफ है, उसमें KESC प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन सर अब तो नहीं प्ले करता इंपॉर्टेंट रोल, अब तो आप अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आप जेनसेट के लिए पहले से, जनरेटर के लिए पहले से आप पैसे रखते हैं, जिस तरह मुंबई में आप भाई को देने के लिए पैसे रखते हैं उस तरह कराची में आप बिजली खुद बनाने के लिए पैसे रखते हैं, घर बना रहे हैं तो एक जनरेटर रूम बनाते हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, साहिब हैसियत नहीं है दुकान खोल रहे हैं तो एक UPS के लिए पैसे अलग रखते हैं, अगर छोटे से घर में रहते हैं तो एक खिड़की देखते हैं, खिड़की कहाँ है उसके पास एक पंखा लगा के उसके अंदर UPS लगाते हैं, जनरेटर आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं यूज़ नहीं कर सकते आप। सर बिजली नेसेसिटी पाकिस्तानी समझना बहुत दिनों पहले बंद हो गया था, अब एक फ्लीटिंग प्रिविलेज है, आ गई तो खुदा का शुक्र है, चली गई तो लाहौल अलाकुत, मतलब मिलना जो है वो एक हक नहीं समझा जाता। देखें आप थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, आज भी इंडस्ट्री चल रही है बिजली के ऊपर, अपनी बिजली के ऊपर, अपनी बनाई हुई बिजली के ऊपर, मेजर इंडस्ट्री खुद बिजली बना रही है, 2500 मेगावाट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो कर रहे हैं, सही, यू नो। और मैं एक इंटरेस्टिंग नंबर भी कहीं पढ़ रहा था, 1963-64 में कराची में जो डिमांड थी इट वॉज अराउंड 105 मेगावाट्स, और वो डिमांड आज 2500 मेगावाट है और वो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो बिजली कहीं तो जा रही है, इंडस्ट्री को जा रही है, आपके घर आ रही है, ट्रेड में जा रही है, कुंडे पे जा रही है, जहाँ भी जा रही है कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी, वो कुंडे पे भी बात कर लेते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि पिछले 2 सालों में हमने तकरीबन 250 मेगावाट के नए कनेक्शंस भी दिए हैं, और बावजूद इसके कि जिस वक्त पूरे मुल्क में ये कहा गया था कि नए कनेक्शन बंद कर दो, हमारा KESC वॉज दी ओनली कंपनी जिसने जाके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि जनाब अगर आप नए कनेक्शंस बंद कर देंगे तो आप जानबूझकर गलत तरीके जो हैं बिजली के इस्तेमाल के उसको आप एनकरेज कर रहे हैं और आप कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, आप इकोनॉमी को बिठा, सारी चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है ना। सो 250 मेगावाट हमने पिछले 2 सालों में नए कनेक्शंस भी दिए हैं। आपके इंश्योरेंस जो हैं वो सारी पथराव और सारी बसें जलना और आपकी गाड़ियाँ जलना और लोगों के पर्सनल इंजरी क्लेम्स होना, आपके इंश्योरेंस आपको अभी तक इंश्योर करते हैं? अभी तक तो है जी वो अपना, बट ये देखें ये एक बड़ा शॉर्ट लिप्ट सा फिनोमेना है पिछले गालबन 20-25 दिनों में जो इश्यूज आ रहे हैं, बट जनरली इट हैज़ बीन क्वाइट पीसफुल एंड वी होप के पीस विल प्रिवेल इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। तो फ्रांस साहब कभी मुनाफा बनाएंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, कब तक बनाएंगे यार? इफ आई गिव यू दी वो क्या कहना चाहिए ट्रेंड, तो हमने लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारा लॉस था इट वॉज अराउंड 5.7 बिलियन, वो लॉस 5.7 अरब रुपया, 5.7 अरब रुपये 4 महीने में 3 महीने में फर्स्ट क्वार्टर 2010 का, सही, 2011 का फर्स्ट क्वार्टर अगर मैं आपको कंपेरिजन दूँ तो इट इज़ अराउंड 1.7 बिलियन, सिर्फ 1.7 अरब, 1.7। तो देर इज़ ऑलरेडी यू नो अ साइन ऑफ टर्न अराउंड विच इज़ विजिबल, और चूँकि हम अंदर बैठ कर देख रहे हैं चीज़ों को, मतलब आपका जो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड डिप्रिसिएशन है वो पिछले कंसिस्टेंटली 4 या 5 क्वार्टर से पॉजिटिव है, दैट्स अ मेजर इंडिकेटर कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। देखें दूसरे साथ साथ ये है, इस वक्त हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, मतलब पेपको अगर बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर तो हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं ले रहे हैं। सब्सिडी तो आपको भी मिलती है? सब्सिडी हमें नहीं मिलती, ये भी एक मिथ है कि जी KESC को सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी आपको मिल रही होती है। अगर
कि ये सब्सिडी पेमेंट के एस सी को की जाती है सारिफ की तरफ से, हुकूमत करती है। बिकॉज आप देखें, अगर हमें ये कहा जाता है कि यार ये बिजली जो आप 12 रुपए की है जी, ये आपने सारिफ को 12 रुपए की नहीं देनी। समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन आपको सब्सिडी पेमेंट तो मिलती है पेप्को की तरफ से, प्रॉमिस तो होती है, हालांकि वो आपकी सब्सिडी नहीं होती, वो कस्टमर की सब्सिडी होती है, पास थ्रू आप लेवरेज कर देते हैं। और आपने फिर एक इन्वेंटिव मेजर भी निकाला था जो कि काफ़ी इनोवेटिव था, कि आप बाकायदा दो हिस्से बनाते थे बिल पे और कहते थे कि जनाब ये आपका बिल है और ये आपकी तरफ से हुकूमत ने दे दिया है हमें। ये फिर एक इनोवेशन थी ऑनेस्टी की, ताकि आप समझा सकें कि जी हुकूमत जब ये देना बंद करेगी तो हम आपसे ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर देंगे। बट अगेन हमारा शुरू से ये राय स्टांस के देखें, सब्सिडी के ऊपर आप किसी भी सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को आप नहीं चला सकते। सही, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को ख़त्म करनी होगी और प्रेशर है उसके ऊपर। आप जिस दिन मुनाफा बनाएंगे उससे पहले बिजली काटना बंद करेंगे या फिर उसके बाद? आप मुनाफे में होंगे लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो रही होगी, ऐसा सिनेरियो होगा? देखें, मुनाफे का ताल्लुक जो है ना वो लोड शेडिंग से नहीं है। अच्छा, इफ़ यू आस्क मी, लोड शेडिंग के दो तीन जो मेजर प्राइमरी रीजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक तो ये है कि आपके पास फ्यूल मिक्स ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है इस पूरी दुनिया में जहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ फर्नेस ऑयल, एंड वी आर अ पुअर कंट्री। अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे 20,000 25,000 30,000 डॉलर पर कैपिटल इनकम होती है, वो लोग फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बनाते, कोल से बनाते हैं। चीपेस्ट पॉसिबल फ्यूल, दैट्स द फॉर्मूला। और आपका जो बेस लोड है वो सारा आप चीप उस पर करते हैं। सीजनल जो पीक्स आती हैं उसके लिए आपको अगर क्विक पावर जनरेशन चाहिए होती है वो वहाँ पे फर्नेस ऑयल। तो आप जो नया प्लांट लगा रहे हैं वो फर्नेस ऑयल का है? गैस, गैस का है। तो गैस का बहरान आया फिर? देखें, गैस का बहरान है, आया क्या मतलब? नहीं, मतलब कराची तक सुई सदन को भी अगर हिट कर गया, आपकी गैस की लाइन काटी, आप फिर कहेंगे कि सुई सदन को जाके प्रोटेस्ट करें? देखें, जब हम यहाँ पे आए थे तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमें गारंटीज़ प्रोवाइड की गई थी। पहली गारंटी ये थी कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के लिए हमें 276 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एवरी डे मिला करेगी, और जो नया प्लांट जो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर प्लस का जो हम इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए 130 मेगा मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे हमें कमिट की गई है इन राइटिंग। ये हुकूमत गई तो क्या करेंगे आप? सॉरी, जब ये हुकूमत जाएगी, अगली हुकूमत आती है पॉपुलर मैंडेट के साथ, लोग आपको पसंद नहीं करते फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन गवर्नमेंट आने से या गवर्नमेंट जाने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी अग्रीमेंट्स तो पुरानी गवर्नमेंट से थी, पढ़ना चाहिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से थी। एंड यू नो, अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आई थिंक एक गवर्नमेंट के जाने से पॉलिसी डिसीजंस चेंज नहीं होते। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर वेरी एबनॉर्मल अबाउट पाकिस्तान। हम एक ब्रेक लेते हैं उफरान साहब, आप देख रहे हैं सियासत मना है, SMH@CNBCPakistan.com पे अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।